नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेका फ्राई चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैकबुक एयर M2 के बारे में। मेरे पास जो है 16512 GB का सिल्वर कलर वाला वेरिएंट है। इस वीडियो में हम इसके डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे ताकि आपको अपने बाइंग डिसीजन में मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। मैकबुक एयर M2 भी आइकॉनिक स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है और ये बहुत ही लाइट वेट है। इसका वेट सिर्फ 1.24 kg है और थिकनेस है सिर्फ 11.3 mm की, जो कि इसको इनक्रेडिबली पोर्टेबल बना देता है। इसे ओपन करते ही हमें मिलती है 13.6 inch की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो कि P3 वाइड कलर गमट के साथ आती है, जिसकी रेंज ऑफ कलर्स बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्टैंडर्ड sRGB। इसकी वजह से आपको एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आप बढ़िया से अपनी फ़ोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। कंटेंट कंजप्शन में भी आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। एकदम विविड और लाइफ लाइक कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। 500 निट्स की इसमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है। कीबोर्ड और ट्रैकपैड की तो बात ही अलग है। सब कुछ आपको एकदम स्मूथ सा महसूस होगा, भले ही वो कीज़ का रेस्पॉन्सिवनेस हो या टचपैड के जेस्चर्स। इसको चलाने में आपको मज़ा सा आ जाएगा। इसका फोर्स टच ट्रैकपैड बड़ा है और सभी जेस्चर्स सपोर्ट करता है। दोस्तों, मैकबुक का ट्रैकपैड बाकी सभी लैपटॉप से बेस्ट है। ये ट्रैकपैड प्रेस नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा हैप्टिक फीडबैक देता है जो आपको क्लिक करने पर बटन प्रेस करने की फीलिंग देता है। अब एक और सबसे बढ़िया चीज़ जो M2 के साथ वापस आ गई है, वो है MagSafe चार्जिंग। ये फास्ट है, सिक्योर है और एक पीस ऑफ माइंड देती है कि आपका लैपटॉप केबल खींचने की वजह से गिरेगा नहीं। और MagSafe चार्जिंग आने से अब आपके पास दो एक्स्ट्रा पोर्ट्स बचते हैं, नहीं तो पहले एक ही रहता था। और मैकबुक का चार्जर भी भाई रहता है एकदम पोर्टेबल। मेरे पास है 67 W वाला चार्जर। आप चाहें तो 35 W वाला ड्यूल पोर्ट ले सकते हैं। दोनों में से किसी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें M2 चिप है, जो कि 8 core CPU और 10 core GPU के साथ आती है। 8 256 GB वाले से आप बेसिक टास्क विद छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट विद 16 GB और 24 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी एंड 512 GB SSD और मोर, आप इसमें मल्टी टास्किंग कर रहे हो। बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रन करने के साथ 4K वीडियो एडिटिंग तक सब एकदम स्मूथ सा रहता है। अलग अलग हाई एंड सॉफ्टवेयर में स्विच करने पर भी कोई लैग नहीं होता। और एक बढ़िया चीज़ ये है कि पावर केबल अनप्लग करने पर भी परफॉर्मेंस में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता, नहीं तो विंडोज़ लैपटॉप की तो भैया जान ही निकल जाती है। कम से कम 512 GB SSD वाला ही मैकबुक आपको लेना है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा SSDs की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी SSD की रीड राइट स्पीड भी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिलते हैं, जो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र और एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं। मेरे पास ये सैमसंग T7 SSD है। इसके साथ आप डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड देख सकते हैं। T7 SSD की फुल वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। बाकी एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है फॉर योर ऑडियो नीड्स। बस पोर्ट्स के नाम पर इतना ही है। अगर आपको और डिफरेंट पोर्ट्स की ज़रूरत है तो आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं, जैसे ये पोर्टोनिक्स M Port 9C। बैटरी लाइफ एक और मैकबुक का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पहले इंटेल चिप के साथ बैटरी इतनी खास नहीं थी, बट M1 चिप आने के बाद से मैकबुक्स की बैटरी लाइफ में एक रिवोल्यूशन आ गया है। मैकबुक एयर M2 आपको 18 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है, जो कि आसानी से फुल डे निकाल देता है बिना चार्ज किए। विंडोज़ लैपटॉप तो भाई कहीं नहीं टिकते इसकी बैटरी लाइफ के सामने। अब वो चीज़ जिसके बारे में सभी पूछते रहते हैं कि क्या हम मैकबुक में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आप ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर सॉफ्टवेयर और ऐप्स के क्रैक्ड वर्जन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिससे आप क्रैक्ड वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मैकबुक की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। बाकी सब आपके ऊपर है। एक और मज़ेदार बात मैकबुक एयर की यह है कि ये फैनलेस कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी फ़ैन की। साइलेंटली ऑपरेट करते हुए इंटेंसिव टास्क में भी मैकबुक कूल रहता है। बात करें स्पीकर्स की, तो भाई इसमें भी एप्पल ने ज़बरदस्त काम किया है। मैकबुक एयर M2 में आपको 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है। ये स्पीकर्स आपको मैकबुक की बॉडी में स्क्रीन के नीचे की साइड मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मस्त मूवीज़ देखो, म्यूज़िक सुनो, आपको कोई दूसरे स्पीकर्स की कमी महसूस नहीं होगी।
तो कुल मिलाकर बात करें मैकबुक एयर M2 एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर आप इसे लेना कंसिडर कर रहे हैं तो कम से कम 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला ही लीजिएगा। M1 के कंपेयर में यह डेफिनेटली फास्ट है, बट हाँ M2 का बेस वेरिएंट 8256 वाला M1 के बेस वेरिएंट से लोअर परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो M1 की तरफ जा सकते हैं। बाकी लेटेस्ट M3 चिप वाला मैकबुक एयर जो है M2 से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन ओवरऑल मैकबुक एयर M2 पावर और प्राइस का एकदम सही बैलेंस है। आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली कोई शानदार वीडियो के साथ आपके अपने चैनल टेक अ फ्राई पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।